गाइस आज बहुत कुछ सीक्रेट होने वाला है। आज हम दोबारा से माइनक्राफ्ट में एक सीक्रेट घर बनाने वाले हैं। इतना सीक्रेट कर दो कि किसी को ना दिखे। अपने मोबाइल पे कवर चढ़ा लो, अपने मुंह पे कवर चढ़ा लो। नाउ वी आर सेफ। तो गाइस कल मैं सोच रहा था कि हमने इतने दिन से माइनक्राफ्ट नहीं खेला और मैं आइडियाज ढूंढ रहा था माइनक्राफ्ट के लिए। फिर मैंने अपने चैनल पे देखा कि हमारी लास्ट माइनक्राफ्ट अंडरग्राउंड घर वाली वीडियो पे 14,000 व्यूज हैं। तो मैंने सोचा अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद आ रही है कॉन्सेप्ट तो क्यों ना इसको दोबारा से किया जाए। और फिर मैं देखता हूँ कि मेरी नेदर पोर्टल वाली वीडियो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दो चीजों को मिला दूं कि व्यूज ही व्यूज। मैं इतना भूखा क्यों हूं व्यूज का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दोबारा से माइनक्राफ्ट का क्रिएटिव मोड खेलने वाले हैं क्योंकि आज हम एक और सीक्रेट घर बनाएंगे। तो मैं तुम्हें ये सीक्रेट घर बाद में समझाता हूँ, लेकिन फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूला करो यार। इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स करने हैं हमें जल्दी से जल्दी। एंड थैंक यू सो मच फॉर 9000 सब्सक्राइबर्स। मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, इतना ज्यादा प्यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजा दो ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसी मैं डालूं। और इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ 2K लाइक्स का। ओके, तो हमारा पुराना अंडरग्राउंड घर ये रहा, मिल गया। तो लास्ट टाइम हमने एक अंडरग्राउंड विलेज बनाया था, इस बार का जो आइडिया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस घर को देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर, ये लीवर दबाना है एंड हमारा घर खुल चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ से जाएंगे और अपने विलेज में एंटर करेंगे। ये देखो, ओहो मेरे विलेजर्स बिल्कुल आराम से हैं, सारे काम वाम कर रहे हैं। भाई काम वाम कर रहे हो? हेलो, काम वाम ठीक से चल रहा है? नहीं मैंने यहाँ बेड लगा दिया था, तुमने लास्ट वीडियो में बोला था यार बेड तो लगाओ विलेज में, तो अब मैंने लगा दिया। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो काफी यूनिक है, वैसे मेरा नहीं है, मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब से देखा है। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम एक नेदर पोर्टल बनाएंगे और नॉर्मल बंदे को लगेगा कि वहाँ सिर्फ नेदर पोर्टल, लेकिन उसके पीछे हम एक घर बनाएंगे, एक सीक्रेट घर। तो नॉर्मल बंदा जिसकी छोटी ब्रेन है उसको समझ नहीं आएगा और वो नेदर पोर्टल से दूर भाग जाएगा क्योंकि किसी को अपनी जान नहीं गंवानी नेदर पोर्टल में। लेकिन हमारी जैसी बिग ब्रेन वाले बंदे पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एक, ये कुत्ते ने मेरे को धक्का दिया। ए उतरिया इधर आओ, अरे मेरा कुत्ता हो गया ये। गाइस हम इसको नाम दे देते हैं, मेरा कुत्ता। अरे मेरा कुत्ता इधर आओ। गाइस ये हमारा दोस्त बन चुका है, आप देख सकते हो बहुत क्यूट है यार। हम एक काम करते हैं, पहले अपने सीक्रेट घर से पहले इसको नाम दे देते हैं। इसको हम नाम देंगे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग बबल। कि गाइस तो हमें जो अपना सीक्रेट घर है उसको बनाने के लिए हमें काफी ब्रॉड स्पेस चाहिए, जहाँ पर काफी ज्यादा जगह हो। हमें कोई पहाड़ टाइप सी जगह चाहिए। ओ ये जगह परफेक्ट है, यहाँ देख सकते हो कि आप पानी भी है तो किसी को शक ही नहीं होगा कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड घर है। वाओ, तो सबसे पहले तो हमें इस जगह को ऐसे खाली करना है। अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन तुम समझ जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हमें लगेगा एक ऑब्सीडियन और फ्लिंट एंड स्टील। सबसे पहले हम यहाँ एक नेदर पोर्टल बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। ओके हमारा नेदर पोर्टल रेडी है दोस्तों। हाँ अभी हम इससे दूर ही रहेंगे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ नॉर्मल बंदा आएगा और वो देखेगा कि अरे यहाँ तो नेदर पोर्टल है, यहाँ नेदर पोर्टल किसने बनाया। उसको थोड़ा सा शक होगा लेकिन वो देखेगा कि नेदर पोर्टल है, भाग जाओ, दूर भाग जाओ, अपनी जान से बचना है तो भाग जाओ। और जब हम बिग ब्रेन वाले बंदे यहाँ पर आएंगे तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे और पीछे होगा हमारा घर। सो गुड गाइस। ओके सबसे पहले तो रात हो चुकी है। अरे मेरा डिंग डोंग कहाँ चला गया? अरे मेरा डिंग डोंग ये रहा। अरे गुड आजा, अरे डिंग डोंग उतर जा मेरे ऊपर से, मैं सो रहा हूँ। ओके गाइस अब सुबह हो चुकी है, हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि तुमने देखा यहाँ पर मैंने एक नेदर पोर्टल का बेस बना लिया है, तो अब हम व्हाट, ये क्रिश कुत्ता है क्या? वहां से ये एकदम टेलीपोर्ट हुआ। ला 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 ला। हम अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके तोड़ेंगे
ताकि ऐसे अंदर से स्पेस बन जाए। ओके वी आर डन गाइस। गाइस हमें यहाँ काफी ज्यादा डर्ट लगानी होगी ताकि किसी भी नॉर्मल बंदे को शक ना हो बाहर असली के कुत्ते भौंक रहे, क्योंकि मैं ये सुबह 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर देते हैं के अब हम बिल्कुल सही लग रहे हैं। थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए बंदे को, तो हम यहाँ ऊपर से भी ऐसे बंद कर देंगे। अरे कुत्ता हटो ना, डिंग डोंग हटो यहाँ से, मेरे को देख देख तेरे को मारना पड़ेगा। अभी भी नहीं हट रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। How could this happen to me? I've made my mistakes. ये ले तेरे को खाना खिला देता हूँ, खुश रह, जा जा जी ले अपनी जिंदगी। हमने पूरी तरीके से अपना सीक्रेट घर छुपा लिया है, तो अब हमें अंदर का बिल्ड करना है। अबे तू क्यों घुस रहा है? गाइस ये बहुत तंग कर रहा है, इसको मुझे यहाँ बांधना पड़ेगा। इधर रह, अब यही रहना ठीक है? तूने खुद ही ऐसा किया मुझे ना भौंक। अब बाय चांस कि बंदा थोड़ा सा होशियार हो सकता है, तो हमें उसकी भी एक गारंटी रख के अंदर घर बनाना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लेवल 12 तक अंदर तक कर लेंगे बिल्ड। आई थिंक मैंने काफी ज्यादा खोद लिया है। अब यहाँ हम लैडर्स लगाएंगे ताकि आने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। ओके गाइस मैंने पूरी तरीके से लैडर्स लगा दिए यहाँ पर। हम बहुत ज्यादा अच्छी बिल्ड्स करते हैं माइनक्राफ्ट में। टॉर्चेस भी लगा देते हैं ताकि यहाँ ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। ओके अब मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ, बट इस तरीके से ही हमें लगाना है। हाँ आई थिंक इसी तरीके से लगाना है। पूरी साइड को हम अंदर से ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल ऐसे, और अब हम जब इसको ऐसे खोलेंगे तो हमारा नीचे सीक्रेट घर, जो हमारा सीक्रेट काम था वो तो सब कुछ हो चुका है। ओके यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेवल है। ओके थोड़ा सा यहाँ से तोड़ देते हैं। हमें जो अपना घर बनाना था वो तो हमें तैयार लग रहा है। गाइस हमने पूरी तरीके से अपने घर की जगह ओपन कर ली है। जैसा कि मैंने बोला मेरा ज्यादा बड़ा घर नहीं होगा। डोर लगा दी हमने, अब ऐसे खोल के हम अपने घर में आ चुके हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि हम अपने विलेजर्स को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अंडरग्राउंड घर बना के दिया उनको, तो अपने आप को भी तो उसी तरीके से ट्रीट करना है ना। यहाँ मैं ऐसे नेदर पोर्टल लगाऊंगा, हम यहाँ से चलते हुए आएंगे, हम इसको पहले तोड़ेंगे है, और सिर्फ हम ही तोड़ सकते हैं क्योंकि दूसरा बंदा इतना चालाक नहीं है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और अपना दरवाजा खोल के अपने सीक्रेट घर में एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। बेड रखेंगे, क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं, एक फर्नेस आ गया हमारा चेस्ट। वाओ गाइस हमारा घर बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस। ओह मैं अपने कुत्ते को तो भूल ही गया। अरे डॉग भाई इधर आ जा, अब मैं उसको नीचे लेके कैसे, अरे मैंने बोला उसने भौंका, अब मैं उसको नीचे कैसे लेके आऊंगा। डिंग डोंग इधर आओ मेरे साथ। ओह सॉरी सॉरी, ये ले भाई खा ले और फिट हो जा दोबारा से। अब अपने घर में आ जा दे। देखो गाइस ज्यादातर मैं क्रिएटिव में रहता नहीं हूँ, तो मेरे घर का ख्याल मेरा डिंग डोंग ही रखेगा। हम इसको यहाँ पर ऐसे बांध देते हैं ठीक है। तो भाई तू यहाँ रह ले आराम से, एक्चुअली मेरे को बुरा लग रहा है इसको ऐसे बांधने में। खोल देते हैं, आजा आजा तेरे को ऊपर लेके जाऊँ वापस। इसको ऐसे बांधने से ही अपने दोस्तों को याद करेगा, आजा भाई। ओके गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो। मैं इस वीडियो पे एम कर रहा हूँ 2000 लाइक्स का। आज तक तुम लोगों ने 2000 लाइक्स दी, फटाफट से 2000 लाइक्स कर दो। और अगर चाहती हो कि ऐसी अंडरग्राउंड घर मैं और बनाऊं, और तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और मैंने एक सबरेडिट भी बनाया है, हम 9K पे वहाँ मीम रिव्यू करने वाले हैं, तो तुम आ जाओ और सबरेडिट ज्वाइन कर लो। इसके साथ मेरा ट्विटर भी, अगर तुम्हें ज्वाइन करना तो तुम कर सकते हो, मैं कितनी भीख मांगता हूँ। सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। टिल देन पीस एंड लव, बाय।